यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सीएम मनोहर लाल ने विदेश दौरे के बाद आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। सीएम ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि इजराइल में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मियों से काफी कुछ सीखने को मिला है। और यहां पर सीएम ने बताया कि यूके की एक कंपनी ने, जिन्होंने हरियाणा में 15 कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, वहीं सीएम ने अपने विदेश दौरे पर भी विस्तार से जानकारी दी है। और साथ ही माइक की तरफ कर लीजिए। हां, साथ ही जो हमारे पुलिस का जो ग्रुप, पुलिस डिपार्टमेंट का जो ग्रुप गया था, उन्होंने भी इजराइल में विभिन्न प्रकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ अपनी बातचीत की, खास करके साइबर सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा, खुफिया नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों की जो टीम है वहाँ की टीमों के साथ मिली, विमानन परियोजनाएं इसको भी लेकर के हमारी वहाँ मीटिंग हुई। एक कंसल्टेंसी देने वाली एक कंपनी है ताहल ग्रुप। ताहल ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत से देशों में ये अपना काम करते हैं, 20 वर्ष से अधिक समय से वो भारत में भी काम कर रहे हैं और उनका जो हेड ऑफिस है वो गुरुग्राम में बनाया उन्होंने। तो एक प्रकार की कभी वो इजरायली कंपनी होती थी, अब उसको देखा जाए तो उन्होंने अपना हेड ऑफिस दुनिया का वो गुरुग्राम में बना लिया है। तो बड़े मजाक से हम कह रहे थे कि हम इंडियन कंपनी को मिलने के लिए यहाँ आए हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ विकास, इस नाते से इन परियोजनाओं पर वो कंसल्टेंसी देने का काम करते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि हम भारत में और आगे एक काम करने की दृष्टि से और ईगरली दे आर इंटरेस्टेड इन गिविंग द कंसल्टेंसी एंड टू कंट्रीब्यूट इन अवर प्रोजेक्ट्स।